Chul is a great song. What? Chul what? Chul. It's not that. Chul. So the step goes what? Like, it goes right, it goes left. गाड़ी में कपड़ा रखो ऐसा. हाँ. कपड़ा ऊपर के नीचे ब्रश मारे ऐसे टायर पे. हर लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल. अपनी गाड़ी साफ करवानी है अपनी. हमसे रابطہ कीजिए. Good, good, very nice. अच्छा मूवी. हाँ, कोई शेड नहीं करता. कोई नहीं. You behave like a teacher. ट्रेलर में अगर हमने देखा है तो यू सीम्स टू बी किसिंग बोथ द गाइस इन द फिल्म. Hello and welcome to the show. My name is Vivek and today on Chat With Me, I have these family members. They are funny, they are crazy and they love, they laugh, they fight, they hit each other. This sort of family it is. This is Kapoor family. So I don't think so. आपको और हिंट की जरूरत है. मेरे साथ है the much talked film Kapoor and Sons की cast, Alia, Siddharth and Fawad. Hi, hello and welcome to the show. Thank you. So if I talk about this film, then इसमें बहुत सारा ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है, हर इमोशन कवर किया है. क्या है कपूर एंड सन्स? एक्चुअली कैसा ही कहा आपने, इट इज़ अ फैमिली ड्रामा सो टू स्पीक. ऑब्वियसली कॉमेडी भी है थोड़ी सी. इट इज़ लाइट एट मेनी पार्ट्स. लाइफ इज़ नेवर एक एक टोन पे तो नहीं होता है. यू लाफ, यू क्राई, यू फाइट, यू यू नो वट एवर, लाफ, मेकअप. सो इट्स इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ इमोशंस योर राइट. और बेसिकली ये फैमिली की एक जर्नी को फॉलो करती है. और हाँ, ये जो लास्ट लाइन है ट्रेलर में ऋषि कपूर का जो डायलॉग है कि मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली का उनकी एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश है एक फोटो, एक फोटो ऐसी फैमिली फोटो हो जिसपे सारे हम परिवार के हो. ये हमारे परिवार से नहीं है एक्चुअली. okay. तो हम कपूर सन्स, हमारे मॉम डैड एंड यू नो बाकी जो रिश्तेदार हैं, हमारे चाचू, एक फोटो में हो, उनका नाम हो, उसका नाम हो कपूर एंड सन्स सिंस 1921. तो टाइटल वहाँ से आया. सो व्हाट इज दिस 1921? वो उनका बर्थडे. अच्छा अच्छा, ओके. जैसे हम लोग दुकान में देखते हैं ना कहीं, यू नो, इन द लाइक स्मॉलर टाउन्स एंड ऑल. एक्चुअली हमने रिसेंटली देखा भी था एक एक्चुअल रियल में ट्रेंड, ट्विटर में पोस्ट भी किया था कपूर एंड सन्स, राइट? दिल्ली का था कपूर एंड सन्स. या इट इज अ फोटो हार्डवेयर स्टोर. ओह नाइस. कपूर एंड सन्स बट वो 1921. हमारा कोई बिजनेस नहीं पर हमारा नाम ऐसा है. ओके. Good, very nice. अच्छा, if we talk about the character in the film, so क्या होता है कि हर role को हम कभी ना कभी real life से भी attach करते हैं, तो आपका किरदार कैसा है और क्या वो आप real life में उसको कहीं ना कहीं implement करते हैं? Of course, मेरा family जो similar इतने members हैं, you know, we have family of brothers, two elder brother, parents, दादू की जगह दादी थी, and तो माहौल बहुत ही सिमिलर था. आई थिंक मैंने भी जो इंटरेक्शंस शाकुर ने रखी है पिक्चर में, यू नो, मॉम डैड के साथ या अपने बड़े भाई के साथ, काफ़ी रियल जोन में रखी है. आई थिंक उसका हर कोई रेफरेंस आता है उसकी लाइफ से या किसी और की लाइफ से जो हो चुका है. सो आलिया, हमने ट्रेलर में देखा है आप बहुत रोल गई हैं उसमें कैरेक्टर में, तो ये क्या कैरेक्टर है, किस तरीके का कैरेक्टर है ये? बहुत रो भी रही हूँ, मतलब हंस भी रही हूँ. हाँ, हंस भी रही हैं, नाच भी रही हैं. हाँ, एग्जैक्टली. सो द टिया इज माय कैरेक्टर्स नेम. शी इज द गर्ल नेक्स्ट डोर, सो टू स्पीक. वो बहुत बहुत ही जोवियल है, बहुत ही हैप्पी है. शी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स को जो वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी, यू नो, पाती है. शी इज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स ऑन पीपल, ऑलवेज मेसिंग अराउंड. पर उसका ऑब्वियसली थोड़ा सा अपना एक बैक स्टोरी है. शी हैज दैट सम बैगेज, सम डेप्थ शी इज फॉलोइंग, व्हिच इज व्हाई आपने जो रोने वाला शॉट देखा था. सो दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन भी है उसमें कि ही सेज कि मेरी फैमिली ऐसे पब्लिकली बिहेव नहीं करती है, तो यू से दैट, यू नो, कि कम से कम तुम्हारी फैमिली तो है. सो इट्स लाइक नो, आई बेसिकली मैं बस उसको एक आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड, तो मैं बात कर रही हूँ और बोल रही हूँ जस्ट बी हैप्पी एटलीस्ट फॉर दैट रीजन, नॉर्मल फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन. और खान भाई, आपका रोल क्या है? खान भाई, मेरा रोल है राहुल कपूर का, हु इज द एल्डेस्ट सन इन द फैमिली. वो जो बड़े चहीते हैं अपने माँ बाप के, एंड द डू गुडर इन द फैमिली, हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू, यू नो, डू द राइट थिंग, एंड कम्प्लीटली ऑपोजिट टू सिद्धार्थ कैरेक्टर. और ये लोग जो हैं कुछ अरसे बाद जो है दे कम बैक फ्रॉम अब्रॉड, उनकी दादाजी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, सीन हिम इन द हॉस्पिटल, दे कम बैक टू बेसिकली सी हिम, एंड उसमें ही सारा केओस इंस्यू होता है. एंड आई आमतौर पर आई थिंक जब फैमिलीज़ में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं तो दे सी ना कि डिस्टेंसेज ब्रिंग यू क्लोजर इफ यू मूव अवे, बट इस केस में उल्टा हुआ है, यू नो, द डिस्टेंसेज हैव क्रिएटेड फर्दर डिस्टेंसेज. अच्छा, आलिया और सिद्धार्थ ने धर्मा प्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया था अपना करियर सॉटी से, राइट? आपका धर्मा फैमिली में कैसे एंट्री हुई? आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम करण. And he said he wanted to talk to me about a film and, you know, see if I liked it or if I, you know, wanted to be a part of it. And it was pretty simple from on there. I went, I had a meeting with him, gave me the script of Kapoor and Sons.
And I went home, as in I went back to the hotel, I read it, and within 45 minutes I was on board. And the experience so far has been great. Sauti se yahan tak ka safar jo tha apna, Kapoor and Sons ka. You started career together, now again you're on screen together. So, kya differences or kya changes aap logo ne as a co-star ek dusre ke andar mehsoos kare? Haan, kaafi. Obviously, I think pehli picture se leke abhi tak hum log jo picture kari hain beech mein, wo experience ek aapko badal deta hai bataur an actor. It changes you and I think wo difference dikhta hai hum dono ki performance mein, aapko scene mein bhi dikhega, hum dono ko khud bhi dikha. I feel you know, Alia is far more comfortable with improvising in Hindi and I think she's far more spontaneous now. We can enjoy the process. Pehle hum log process itna enjoy nahi kar pate the. We were very nervous. I was very nervous for Student of the Year, Instrument of the Year. So was I. Songs. Very nervous. Very nervous for all of us. You know, Karan Johar's big film. So now here we had a director like Shakun who we could bully, so it was much easier. What nonsense, he was bullying us. But definitely, bahut bahut farak hai. Ab zyada maza aata hai. I think when you work with people who you know, I know for a long time now. And when you're friends with an actor off camera, you can play around much more. There's an ease, you know, you're more comfortable improvising. Aur wahi hua, to it was a great experience. Yeah. I think I'll just continue the last statement. Unhone jo kaha hai ki jab aap ek dusre ko jante ho, then थोड़ा सा वो कॉन्शियसनेस चला जाता है ना कि ओके नो इफ आई एम मेकिंग मिस्टेक्स व्हाट विल दिस अदर पर्सन थिंक अबाउट मी, तो वो चला जाता है. सो यू कैन डू एज मच एज यू कैन वांट, यू कैन इम्प्रोवाइज, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लाइक दैट ओ ओके, थोड़ा सा वो नेचुरल यू नो मूवमेंट भी बन जाता है व्हेन यू आर लाइक ओके दिस इज हाउ यू प्रॉब्ली नॉर्मली टॉक. जैसे मैंने कहा इज वेरी कॉन्वर्जेशनल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इट वेरी कॉन्वर्जेशनल, सो दैट थोड़ा सा वो नेचुरलनेस आ जाता है. अच्छा यू नो खान भाई और सिद्धार्थ आपके साथ हैं, तो कभी ऐसा होता है कि सेट्स में यू नो कि बॉयज का एक टीम बन जाता है एंड विद एवर दे लाइक अ गैंगस्टर यार, जर्नी सावरिंग लाइक वन हेवी पर्सन. सो फहाद एंड फवाद एंड सिद्धार्थ, आई एम सॉरी. सो कभी ऐसा हुआ कि इन लोग ने टीम बना लियो और आपके ऊपर कोई प्रैंक किया हो? प्रैंक नहीं, पर ये लोग हमेशा मेरे ऊपर गैंग अप करते रहते हैं, मुझे बॉसी बुलाते हैं, आई डोंट गैंग अप ऑन यू, कम ऑन. ये इनके साथ गेम्स खेलना थोड़ा, यू प्लीज टेक बॉडी आर्मर प्रोटेक्शन, थोड़ा पानी वानी खाना वाला लेके जाना, बिकॉज बहुत एनर्जी चाहिए. पानी वानी मतलब मैडम पानी नहीं छीन रहे तुम्हारा? नहीं नहीं, जो इतनी एंथुसियास्टिक है, इतनी कंपेटिटिव है. So it was difficult to play prank on her. It was very difficult to play, the one who's play the anything with her. Because to play games, pranks, kuch bhi khelna, you have to be careful. But yeah, out and out we tried. I think the boys are pretty well behaved with the girls. No, they're very well behaved. No, they're very well behaved. They're very sweet. Hum isko involve karte the. Haan. They take a lot of they call friendly. अच्छा म्यूजिक की बात अगर करते हैं तो ये चुल जो है बड़ा ही नॉर्थ इंडियन वर्ड है. व्हाट एग्जैक्टली चुल इज? इट कैन मीन एनीथिंग. हां, वो लिटरल मीनिंग छोड़ो, चुल क्या है? अच्छा ओके, उससे चुल बोलो. इट्स नॉट दैट चुल, चुल्ला. अच्छा या आई थिंक लिटरल मीनिंग छोड़ो, आप कुछ भी बना लो. हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि यू आर अ चुलर, वी लाइक चुलिंग. चुल इज अ ग्रेट सॉन्ग. कपड़ा रखो ऐसा, कपड़ा ऊपर के नीचे ब्रश मार ऐसा टायर पे. किसी ने गाड़ी साफ करवानी अपनी, हमसे रब्ता कीजिए. So it's just the songs are going on Chartbusters, like you know, Bolna and this Budhu Saman and Chill, Chul. Chul. Chul, yes. Chul, Chul. It's going wonderful. So what is, which one is your favorite song? I honestly genuinely love all the songs right now. Budhu Saman is suddenly like really picking up on me, kyunki aap thodi si aur baar sunne ke liye really grows on you. It has that very like happy jovial. Kaafi sare props bhi use kiye gaye, that Mandakini ka this thing. Wo bahut hi interesting angle hai. Story hai usme dekhna. Wo film mein dekhiye, ek mystery hai uske piche. Fawad bhai aapko kaun sa gaana pasand hai? Yaar mujhe kyun itna bura kar rahe ho yaar, bhai bhai karke yaar. Fawad kya toh bas Fawad bhai. Now I feel like I'm 45 years old. No, 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 Fawad. Nahin, nahin, bhai is actually my age. Bhai is very like, bhai is young. We call Salman bhai also, pyar se. It's a new one. Actually, yes. Salman bhai, Fawad bhai. Achha, aap bata, I'm sorry, I was just joking. So, gaane ki agar hum baat karein, toh kaun sa gaana aapka favorite hai? Kaun sa gaana aapka favorite?
अच्छा गाना मेरा आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेल यू दैट चोल इज माय फेवरेट सॉन्ग आई रियली लाइक चोल इज इट बहुत अच्छा गाना लिरिक्स क्या थे कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सो बातें करता है बुद्धू सा मन है गुड गुड वेरी नाइस अच्छा आपस में कोई शेयर नहीं कर रहा गुड गुड इट्स लाइक इज लाइक क्लासरूम जो आपने वो इज लाइक स्टूडेंट मेडल आप गुड गुड वेरी नाइस वेरी नाइस यू बिहेव लाइक अ टीचर या अच्छा आज मैं तो ताल पे आउट जाएगा गुड वेरी नाइस अच्छा मैं क्या सोच रहा था आपको नहीं मैं नहीं बिल्कुल नहीं गाता मैं बिल्कुल नहीं गाता मैं बाथरूम में भी नहीं गाता सो इन केस डांस करते हैं हाँ हम लोग चुल साथ में कर सकते हैं क्यों डेफिनेटली श्योर सो आई नो इट इज लाइक लेफ्ट एंड देन ये मिशन पॉसिबल डांस इज नॉट दिस वाज ऑन ट्विटर एज वेल ना यू गाइस या फिस्ट बम्प डाउन मुक्का ऊपर दिया नीचे लिया मुझे मुक्का ऊपर दिया नीचे या Chul is a great song. What? Chul what? Chul. It's not that. Chul. So the step goes what? Like it goes right, it goes left. गाड़ी में कपड़ा रखो ऐसा. हाँ. कपड़ा ऊपर के नीचे ब्रश मार ऐसा टायर. हर लड़की beautiful कर गई chul. अपनी गाड़ी साफ करवानी है अपनी. हमसे रात्ता कीजिए. Good good. Very nice. अच्छा मूवी. आप बस कोई शेयर नहीं करोगे. Good good. Behave like a teacher. Trailer में अगर हमने देखा है तो you seems to be kissing both the guys in the film. ब्यूटीफुल कर गई चुल